दोस्तों आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इंडियन आर्मी का स्वाति वेपन लोकेटरी रडार के ऊपर, और ये वीडियो भी मैं मेरे एक दोस्त लाल बाबू कुमार के रिक्वेस्ट के ऊपर बना रहा हूँ। दोस्तों आप लोग बहुत सारे रडार के बारे में सुने होंगे, और रडार क्या काम में इस्तेमाल होता है और कैसे काम करता है उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी होगा। और आज मैं जो रडार के बारे में बात करने जा रहा हूँ इंडिया का खुद का बनाया हुआ एक वेपन लोकेटरी रडार है, और ये इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल होता है। दोस्तों मैं हूँ अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं स्वाति के बारे में डिटेल में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों स्वाति रडार, जिसको हम वेपन लोकेटिंग रडार नाम से भी जानते हैं, ये इंडिया का बनाया हुआ एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग रडार है। मतलब इस रडार को आर्मी द्वारा दुश्मन का आर्टिलरी मोर्टार और मोर्टार पोजीशन को जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसको काउंटर बैटरी रडार भी बोला जाता है। इसका मतलब होता है दुश्मन के फायर पावर का जवाब देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रडार। दुश्मन के तरफ जब भी कोई मोर्टार का गोला या आर्टिलरी या रॉकेट दागा जाता है तो ये रडार उस रॉकेट को ट्रैक करके उसका ओरिजिन को पता लगाता है। मतलब दुश्मन कौन सा एरिया से कौन सा लोकेशन से ये आर्टिलरी रॉकेट या मोर्टार को दागा है उसका पता लगाता है। फिर होता है इसका काउंटर मेजर या जवाब देने का बारी। मतलब फिर हमारे आर्मी के आर्टिलरी बैटरीज ये रडार से मिलने वाले डेटा को प्रोसेस करके दुश्मन के ठिकाने के ऊपर गोलाबारी करता है। इसीलिए इस टाइप के रडार को काउंटर बैटरी रडार बोला जाता है। दोस्तों इस रडार को इंडिया का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और LRDE मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा बनाया गया है। दोस्तों इस रडार का सब सिस्टम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, जबकि DRDO इसका डिजाइन के ऊपर काम किया है, और LRDE मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा इस रडार को असेंबल किया गया है। दोस्तों वैसे तो इस रडार को भारत द्वारा डेवलप किया गया है, पर चलिए पहले हम जानते हैं कि इस रडार को डेवलप करने के पीछे इंडियन आर्मी का क्या हिस्ट्री है। दोस्तों करीबन 1980s के समय में इंडिया को इस टाइप का रडार का जरूरत पड़ा, और आर्मी द्वारा करीबन 9 साल के बाद डिसाइड किया गया, मतलब 1989 में डिसाइड किया गया कि अमेरिका का AN/TPQ-36 and 37 वेपन लोकेटरी रडार इस परपोज के लिए एक बेस्ट उपाय होगा। पर अमेरिका द्वारा इस टाइप का रडार दूसरे कंट्री को बेचा नहीं जा रहा था, जिस वजह से अमेरिका द्वारा इंडिया का इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर 1995 में ऐसा 4 रडार खरीदने के लिए गवर्नमेंट द्वारा एक रिक्वेस्ट पर प्रपोजल दिया गया था, पर ऐसा प्रपोजल में 6 कंपनी को इंक्लूड किया गया था, पर 6 कंपनी में से सिर्फ एक कंपनी जिसका नाम है रेथियन, उसका ही काउंटर रिपोर्ट आया था। और जब आर्मी द्वारा रेथियन का वेपन लोकेटरी रडार को चेक किया गया तो आर्मी इससे खुश नहीं था। आर्मी को इसका परफॉर्मेंस को लेके और इसका काम को लेके ज्यादा भरोसा नहीं लगा, जिस वजह से इस रडार को भी इंडियन आर्मी द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। और उसी समय ये डिसाइड किया गया कि इंडियन आर्मी का रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए DRDO द्वारा एक नया वेपन लोकेटरी रडार बनाया जाएगा, और ये रडार पूरा स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बनाया जाएगा। पर 1998 में भारत को इस टाइप का रडार का बहुत जरूरत था, जिस वजह से पहले डिसाइड किया गया कि कुछ रडार भारत विदेशी कंपनी से खरीदेगा, जबकि उसके बाद इंडिया का ज्यादातर जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वदेशी रडार का इस्तेमाल किया जाएगा। पर 1998 में पोखरान में जब इंडिया का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद से यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस और बाकी देशों की तरफ से इंडिया को सैंक्शन लगा दिया गया था, जिस वजह से इंडिया का जो अर्जेंट जरूरत था उसको पूरा करने के लिए विदेशी कोई रडार खरीदा नहीं जा पाया। और DRDO द्वारा 1998 में डिसाइड किया गया कि ये वेपन लोकेटरी रडार को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। फिर दोस्तों आया कारगिल लड़ाई का समय। उस समय भारत को ये जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी द्वारा तब यूनाइटेड स्टेट का बनाया हुआ AN/TPQ-36 रडार इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि यूनाइटेड स्टेट इंडिया को देने से मना कर दिया था, जबकि इंडिया के पास इस एडवांस रडार के मुकाबले में ब्रिटेन का बनाया हुआ सिर्फ मोर्टार लोकेटिंग रडार ही था, जो कि काफी कमजोर था। और दोस्तों इसके बाद इंडिया और किसी भी कंट्री के ऊपर भरोसा ना करके अपना खुद का रडार खुद के बलबूते में बनाया। दोस्तों कारगिल लड़ाई के सिर्फ 4 साल बाद, मतलब एरो इंडिया 2003 में DRDO द्वारा इस रडार को पहला बार दुनिया के सामने लाया गया। मतलब आप समझ सकते कि ये रडार बनाने के लिए अगर 1998 से भी प्रोसेस किया जा रहा था, तब भी इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए DRDO सिर्फ 5 साल लगाया। दोस्तों 2005 से इस रडार का यूजर ट्रायल शुरू हो गया था, जबकि 2007 में इसको 26 जनवरी का जो पैरेड होता है उसमें भी शामिल किया गया। दोस्तों माना जाता है कि 2005 में इसका ट्रायल शुरू होने के बाद 2006 में ही आर्मी द्वारा इसको ऑपरेशनल क्लियरेंस दे दिया गया था, और आर्मी में इंक्लूड करने के लिए इसको परमिशन भी दे दिया गया था। 2008 में इस रडार को पहला बार आर्मी में ऑपरेशनली
भी शामिल किया गया, जबकि अब तक ऐसा करीबन 28 रडार का ऑर्डर दिया जा चुका है। माना जाता है कि इंडियन आर्मी को ऐसा 40 से 50 रडार का जरूरत है। दोस्तों, इस रडार में फिलहाल पैसिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि 2017 में हम लोगों को सुनने को आया था कि इस रडार को अपग्रेड करके पैसिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे टेक्नोलॉजी के बदले में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि और एडवांस और घातक है। दोस्तों, फिलहाल आर्मी के पास ऐसा कितना रडार है उसके बारे में कोई डिटेल जानकारी नहीं है, क्योंकि ये एक ऑपरेशनल सीक्रेसी है, पर माना यह जा रहा है कि आर्मी इस टाइप का रडार बहुत संख्या में ऑपरेट कर सकता है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं इस रडार का परफॉर्मेंस के बारे में। ऑर्डिनरी रेंज को देखें तो माना जाता है कि इस रडार का ऑर्डिनरी रेंज करीबन 40 से 50 किलोमीटर तक हो सकता है, पर अगर परफेक्टली देखा जाए तो ये रडार छोटा टारगेट मतलब करीबन 81 मिलीमीटर का मोर्टार को 2 से 20 किलोमीटर दूरी के अंदर डिटेक्ट कर सकता है और 105 मिलीमीटर के तोप को करीबन 2 से 30 किलोमीटर के रेंज तक डिटेक्ट कर सकता है, और बड़ा आकार का शेल या फिर अनगाइडेड रॉकेट को ये रडार करीबन 40 से 50 किलोमीटर के रेंज तक भी डिटेक्ट कर सकता है। दोस्तों, ये सब खूबियां इसका पैसिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे टेक्नोलॉजी के साथ है, पर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे टेक्नोलॉजी में ये कितना दूर तक डिटेक्ट कर सकता है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, नीचे से ऊपर के तरफ का मूवमेंट को देखा जाए तो ये रडार -5 डिग्री से करीबन 75 डिग्री के कोण में मूव कर सकता है, और दाएं बाएं का मूवमेंट को देखें तो ये रडार -45 डिग्री से +35 डिग्री तक दाएं बाएं मुड़ सकता है, और मूवमेंट का स्पीड को देखा जाए तो ये रडार -130 डिग्री से +130 डिग्री तक करीबन 30 सेकंड में घूम सकता है। दोस्तों, खाली इतना नहीं, ये रडार 7 टारगेट को एक ही साथ डिटेक्ट कर सकता है, और साथ ही साथ इसमें हाई और लो फ्रीक्वेंसी दोनों ही इस्तेमाल होता है। दोस्तों, इस रडार को इंडिया द्वारा ऐसा बनाया गया है कि इंडिया का हर एक मौसम में ये ऑपरेट कर सकता है, मतलब राजस्थान के गर्मी से शुरू करके कश्मीर के बर्फीला एरिया में भी ऑपरेट कर सकता है। ये रडार का ऑपरेटिंग टेम्परेचर को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि ये रडार -20 डिग्री सेल्सियस से लेके +55 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में ऑपरेट कर सकता है। दोस्तों, ऐसे रडार को तो ज्यादातर एक्टिव वॉर के समय ही ऑपरेट किया जाता है, मतलब जब स्टोरेज में रखा जाता है तो ये और भी कम टेम्परेचर में रह सकता है। माना यह जाता है कि ये रडार जब वॉर हाउस में रखा जाता है तो अगर वहां का टेम्परेचर किसी कारण से -40 डिग्री या +70 डिग्री हो जाता है तो तब भी इस रडार को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और दोस्तों, खाली इतना नहीं, ये रडार किसी भी हाइट में जाके ऑपरेट कर सकता है। माना यह जा रहा है कि 16,000 फीट मतलब करीबन 5,000 मीटर का ऊंचाई में जाके भी ये रडार काम कर सकता है, जबकि इतने ऊंचाई में दुनिया का बाकी इस टाइप का रडार ठीक से काम नहीं करता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के जरिए बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।